जोधपुर में छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस ने 20 सूत्र मांगों को लेकर चक्का जाम किया है और प्रशासन से नयनपुर औद्योगिक क्षेत्र में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की है। सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने प्रेम नगर विधानसभा के प्रत्याशी पंकज तिवारी के नेतृत्व में सूरजपुर अंबिकापुर मार्ग पर चक्का जाम किया। एसडीएम के आश्वासन के बाद चक्का जाम समाप्त किया गया और जनता कांग्रेस के कार्यकर्ता ने 3 दिन में मांगों का निराकरण नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। आंदोलन के मद्देनजर सूरजपुर एसडीएम नगर पुलिस अधीक्षक समेत भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। जो रिहायशी इलाके हैं जहाँ पर छोटे छोटे बच्चों के खेलने कूदने का जगह है, जहाँ पर वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न होता है, उस बीच से बड़ी वाहनों का लगातार आवागमन होता है, जिससे कई बार दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, कई लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन प्रशासन को तो 3 बार चेताने के बाद भी आज तक उन्होंने कभी इस दिशा में कोई पहल नहीं किया था। तो आज आक्रोशित ग्रामीण वासियों ने, और चूंकि मेरा निर्वाचन क्षेत्र है तो मेरी जिम्मेदारी भी थी कि उनके साथ मैं खड़ा रह सकूँ, आज इसका ये परिणाम।